जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक भैयाथान में कृषक मन के खाता में जमा फसल बीमा के राशि कृषक मन के फर्जी हस्ताक्षर कर आहरित करके करीब 34 लाख रुपया गबन करे के मामला हुआ है। मामला में थाना झिलमिली में अपराध पंजीबद्ध कर पूर्व में पुलिस ह दो आरोपी सूबेदार सिंह और सुनील यादव ल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में घलो भेजे रहीस। धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी शाखा प्रबंधक जगदीश कुशवाहा मामला पंजीबद्ध होए के बाद से ही फरार चलत रहीस। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ह अपन सूचना तंत्र मजबूत करत हुए प्रकरण में मुख्य आरोपी शाखा प्रबंधक के पता साझी कर जल्द गिरफ्तार करे के निर्देश दिए रहीस। जिन आदेश ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर और SDOP ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में फरार आरोपी के पता साझी लगातार करे जात रहीस, जेखर परिणाम स्वरूप मुख्य आरोपी शाखा प्रबंधक जगदीश कुशवाहा ला घेराबंदी कर पकड़े गईस, जेला गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे के बाद जेल भेज दिए गए। अपन मेहनत के दम में फसल उगा के अर्थोपार्जन करैया किसान मन के मेहनत में सेंध लगैया ऐसे आरोपी मन ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करे जाए के अपील करे गए और प्रशासन ला घलो ऐसे कृत्य करैया ऊपर त्वरित और कठोर कार्यवाही करे जाए के आवश्यकता है। सितंबर 2021 में थाना झिलमिली में एक FIR हुआ था जिसमें किसानों की फसल बीमा की राशि को किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण कर लिया गया था। इस गबन पे थाना झिलमिली में 420, 467, 468, 471, 120B का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें दो आरोपियों की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी थी और एक जो मुख्य आरोपी था जो सहकारी बैंक का शाखा प्रबंधक था जगदीश कुशवाहा उसकी वो फरार था, उसकी पतासाजी में पुलिस लगी हुई थी। आज उसको सूचना प्राप्त होने पर आज उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें जो किसानों की फसल बीमा की राशि थी उसको फर्जी हस्ताक्षर करके आहरण किया था जिसमें लगभग 34 लाख रुपये का इन लोगों ने गबन किया था। अभी बेरा है छोटे से ब्रेक लेके, देखत रहो न्यूज़ 36।